जो रागनी सुनाई थी उसमें सत्यवान के रोल पर था, सत्यवान की भूमिका पर था, लेकिन अब जो रागनी प्रस्तुत हो रही है अब यमराज की भूमिका अदा कर रहा हूं मैं। सावित्री वही है पर सत्यवान की जगह अब यमराज आ गए हैं। किस तरह से दोनों के बीच में सवाल जवाब होते हैं। हे सावित्री कहिए महाराज। मैं सत्यवान के प्राणों को लेकर के जा रहा हूं, तुम मेरे रास्ते में रुकावट क्यों बनी हुई हो? मैं इसलिए आपको रोक रही हूं महाराज कि मैं आपको अपने पति के प्राणों को नहीं ले जाने दूंगी। लेकिन सावित्री किस तरह की बात करती हो? इस दुनिया में जो जीव आया है एक रोज उसे जाना होता है। लेकिन आप मेरे पति के प्राणों को इतनी जल्दी नहीं ले जा सकते। नाशवान संसार है, जिसे जीवन दान दिया है उसकी मृत्यु भी होनी बहुत जरूरी है। और तेरे पति के प्राण लेकर के जा रहा हूं तो तू मेरी हर रास्ते की रुकावट ना बन। नहीं, मेरा रास्ता छोड़ दे। मैं आपको अपने पति के प्राणों को नहीं ले जाने दूंगी महाराज। सावित्री तुम एक पतिव्रता स्त्री हो, मैं तुम्हारे बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन तुम बार बार ये बात कहकर के मुझे शर्मिंदा ना करो, मुझे रुकावट मत बनो मेरे रास्ते में, मुझे अपने काम को करने दो। नहीं महाराज, अगर आप मेरे पति के प्राण मुझे वापस नहीं देना चाहते तो उस दुखिया की एक दो बात सुन के जाना होगा महाराज। मैं कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ, कुछ अर्ज करना चाहती हूँ आपसे महाराज। हे सावित्री अगर तुमने ये बात कही है तो तुम्हारी बात तो मैं सुन करके जाऊंगा, लेकिन मैं सत्यवान के प्राण नहीं छोड़ सकता। तो मेरी अरज सुनिए महाराज। कहिए। हेलो सुनो या मेरा जिया जी, कुछ रहम मेरे पे खाले मेरी अरज सुनो या मेरा सुनो या मेरा। ओ हर नारी का निज साजन में होता भारी प्रेम, बेटी जन्म लेड़िया मरे एक दिन ये कुदरत का नेम। बेटी सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिरी टेम, बेटी सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिरी टेम। बेटी बिना पति के बेकार हो जा, नहीं माती कोई मेरा नाम मेरी मझधार हो जा, अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा, अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। हो मेरे दिल पे लागे चोट, मेरे दिल पे लागे चोट, ओट कर ले या मेराज बचा ले मेरी अरज सुनो या मेराज। Thank you.
हे सावित्री जी महाराज, एक साल हो गई तेरी शादी को और एक साल से तूने सारे पतिव्रता के नियम निभाए हैं, नियम निभाए हैं जी महाराज। मैं प्रसन्न हूँ तुझसे, बहुत खुश हूँ, और तुमने मुझसे अर्ज की है, मुझसे प्रार्थना कर रही हो, तो मेरी बात सुनिए। मैं तुझे कुछ अवसर कुछ मौका दूंगा, सुन मेरी बात को। कहिए महाराज। हो तेरे तप के तेज के आके खुश हो नाड़ झुका लूंगा, लाश के अंदर प्राण दोबारा कभी नहीं मैं डालूंगा, और चीज कुछ भी ले ले मैं ना वचनों से हालूंगा, और चीज कुछ भी ले ले मैं ना वचनों से हालूंगा। हर झाली फैलाई दुखिया ने हे महाराज मेहर कर दियो, समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले तीन वचन भर दो, अगर आप देना चाहते हो पहले तीन वचन भर दो। हो मैं फिर मांगू महाराज, मैं फिर मांगू महाराज, चाहते हो तो पहले आपको तीन वचन भरने होंगे महाराज। सावित्री वचन चाहती हो? जी महाराज। और वो भी मात्र तीन? जी महाराज। अच्छा, क्या तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है जो तुमने इस तरह की बात कही है कि वचन चाहती हो जो तुम? हे महाराज, आप पर मुझे पूरा भरोसा पूरा विश्वास है, लेकिन मैं आपसे तीन वचन इसलिए भरवाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं है महाराज। किस्मत पर भरोसा नहीं है? नहीं है महाराज। तुझे किस्मत पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन तूने तीन वचन मांगे हैं, और तेरे इस विश्वास को और दृढ़ करते हुए तुमने यमराज के ऊपर भी अगर संदेह किया है, लेकिन तेरे संदेह को दूर करते हुए मैं तुझसे एक बात कह रहा हूँ, सुन मेरी बात को। कहिए महाराज। भी मांगो करो यकीन, राजपाट धन दौलत चाहे मांग लिए बुद्धि परवीन, बेखट के मांगो सावित्री दे दिए वचन एक दो तीन, बेखट के मांगो सावित्री दे दिए वचन एक दो तीन। सास ससुरी आँखों का उजियाला दे दो, जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापस राज हमारा दे दो, वचन तीसरा मेरी कोख ते एक मुझको बेटा प्यारा दे दो, वचन तीसरा मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। हो मने ना चाहिए कुछ और, मने ना चाहिए कुछ और, गौर कर अपना वचन निभा ले मेरी अरज सुनो यमराज।
महाराज। तीन वचन दिए तुझे, वादा रहा तेरे तीन, जो भी तू मांगेगी तीन वचनों में पूरा करूंगा। तूने क्या क्या मांगा? मैंने अपने सास ससुर के नेत्र मांगे हैं और दूसरे वचन में मैंने अपने सास ससुर। सोच समझ के मांगना बिल्कुल, जो भी कुछ मांगे, कभी फिर बाद में ये कसर ना रह जाए कि मैं ये चीज नहीं मांग पाई। जो भी कुछ मांग रही हूँ बड़ी सोच समझ के मांग रही हूँ। सत्यवान के प्राण छोड़ते हुए, सत्यवान के प्राणों को छोड़ते हुए तू कुछ भी मांग ले, तीन वचन तेरे सामने भर दिए। तीन वचनों में तूने क्या क्या मांगा? महाराज पहले वचन में मैंने अपने सास ससुर के नेत्र मांगे। अच्छा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनको नेत्र दे दीजिए महाराज जी। और दूसरे वचन में मैंने अपने सास ससुर का राजपाट मांगा, जो राजा चोंडराय ने उनसे छल करके छीन लिया था। चोंडराय वजीर ने जो तुम्हारे सास और ससुर का राज छीन लिया, वो तुझे वापस चाहिए। वो राज हमें वापस चाहिए महाराज। अच्छा, और तीसरे वचन में मैंने अपनी कोख से एक सुंदर सा एक प्यारा सा बेटा मांगा है, क्योंकि आप मेरे पति के प्राणों को लेकर जा रहे हो, मेरे पति के बाद में हमारे उस राजपाट को जो चला सके, हमारा जो वंश आगे बढ़ा सके, उस राजपाट का जो मालिक बने, मुझे एक सुंदर सा बेटा चाहिए महाराज। हे सावित्री, मैं तेरे इन तीनों वचनों को पूरा करूंगा, लेकिन कुछ में समय लगेगा, कुछ वचनों को पूरा होने में समय लगेगा, तुझे कुछ इंतजार भी करना होगा। तूने जो तीन वचन मांगे, तेरे तीनों वचनों को पूरा करने के लिए मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी बात को सुन। कहिए महाराज।